गुजरात तो गुजराती थोड़ी सी बोल के दिखाओ केम छो भाइयों ने बहनों मजा में रुक जाए पर मैं इंडिया आती जाती रहती हूँ ऐसा है मैं तेरे को बोल रही थी गिरेगा ये अच्छा और इंडिया की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है आपको फूडिंग ऑब्वियसली फैमिली नहीं याद आती नहीं कोरिया के अंदर पाकिस्तानी भी हैं यू नो इंडियंस भी काफी ज्यादा हैं तो वो आपके पाकिस्तानी फ्रेंड्स वगैरह हैं भाई तू है सबसे अच्छा फ्रेंड एक होता हम कब पहले पाकिस्तान को दूसरों के नजर या दूसरे के उससे देखते थे अब अपनी नजर से मिलते हैं और देखते हैं अपना एक गाना भी है ना लाहौर कौन सा वाला लगती लाहौर लाहौर दी ओए ओए दीपक के गाने भी आते लगती लाहौर दिया जिसे हिसाब ना हंस दिया मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई न्यूज चैनल थोड़ा कम देखा करो ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं पाकिस्तानियों के लिए भी एक सलाह है समझ में तो आ नहीं रहा कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है पर अंदर अंदर उनकी अपना चलता रहता है पर हम लोग अपना भाईचारा बहनचारा चालू रखेंगे आपका नाम क्या है मेरा नाम आर्या आर्या और इंडिया में कहाँ से हैं आप मैं झारखंड से हूँ मेरा नाम नीरज है नीरज तो नीरज भाई इंडिया में कहाँ से हैं आप इंडिया में मैं बिहार से हूँ पटना से पर बिहार की लैंग्वेज क्या है कोई बोल के बिहार में बेसिकली चार लैंग्वेजेस हैं भोजपुरी मगही ठेठी थोड़ा सा भोजपुरी बोल के दिखाएं भोजपुरी आई एम नॉट अ भोजपुरी आई होप वो गिरे नहीं अभी पर मैं इंडिया आती जाती रहती हूँ ऐसा है मैं तेरे को बोल रही थी गिरेगा ये Two hours later. Hi guys, this is Deepal Mehta. I'm from India. Nice to meet you guys. By the way, guys, like try to guess which part of India she is from. कि ये Deepal कहाँ से हैं? खैर आप बताएं कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ. गुजरात से गुजराती. तो गुजराती थोड़ी सी हमें बोल के दिखाएं. केम छो भाइयों ने बहनों मजामा. मजामा. Okay. एक बड़ा famous गाना भी है मजामा. सैफ अली खान की मूवी है बाजार. वो देखी आपने? नहीं मैंने अभी तक देखी नहीं वो. उसका एक गाना है मजामा. So hi Monu, where are you from? I'm from India, Delhi. That I already know. Ritika from India. Ritika from India. Mm-hmm. Ritika, how long have you been in Korea? About 8 years now. 8 years? Yeah. और कोरिया में कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए. 2017 अगस्त में आई थी मैं यहाँ पे. 2017. Almost या 2 साल से ऊपर हो गया. तो कितना अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल? कोरिया अच्छा है बुरा है? ठीक है. फ्री फील करती हूँ यहाँ पे. और कोरिया कब आए आप? कोरिया में लास्ट ईयर आया था. अभी 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे. और कैसा अभी तक एक्सपीरियंस ओवरऑल कोरिया में? कोरिया में ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसेस तो सही बुरे तो सब जगह होते हैं. अच्छा. लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे अच्छा है. काफ़ी अच्छा है. काफ़ी सीखने को भी मिला है यहाँ पे आकर. मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और मतलब पर इंडिया आती जाती रहती हूँ. खैर अभी दीपल जो मेन चीज़ है दीपल पाकिस्तान के बारे में जब सोचती हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या होता है? अपने भाई बहन है पर समझ में तो आ नहीं रहा कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है पर अंदर अंदर उनकी अपना चलता रहता है पर हम लोग अपना भाईचारा बहनचारा चालू रखेंगे तो मनोज है ना आप इंडिया कोरिया में कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए. मैं 2017 अगस्त में आया था. वापस जाने का इरादा है या नहीं? पहले मौके पे. अच्छा और इंडिया की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है आपको? फूडिंग ऑब्वियसली. फैमिली नहीं याद आती? तो मेरी की फैमिली आर्या की फैमिली यार देख रहे हो तो नहीं ऑब्वियसली खाना कब याद आता है? मम्मी का खाना याद आता है. दैट मींस कि मम्मी भी याद आती है. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. या खाना बहुत मिस करती हूँ और फैमिली को मिस करती हूँ. और इंडिया की क्या चीज सबसे ज्यादा आप मिस करते हो? फूड. लेकिन वो तो खुद में हम लोग कुछ ट्राई करते हैं कि बना लो तो फिर भी. लेकिन अपने फ्रेंड्स को काफ़ी मिस करते हैं. फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, मतलब ऑफ कोर्स जो हमें वहाँ चीज़ें आसानी से मिल जाती थी वहाँ यहाँ पे उस टाइप की फ्रेंडशिप नहीं मिल पाती है. पाकिस्तान आपके माइंड में आता है तो पहले फूड आती होगी या लोग आते हैं या कोई और चीज़ आती है? कोई शहर आता है, कोई सिटी आता है? जब पाकिस्तान सुनती हैं तो पहले माइंड में क्या आता है?
पाकिस्तान सुन के मेरे को सबसे पहले ये याद है कि माजिद बहुत बार बोल चुका है कि मेरे नाम का उसका एक शहर है दीपालपुर करके। एग्जैक्टली पाकिस्तान तो दीपाल के नाम का जो है ना नाम का शहर है पाकिस्तान में दीपालपुर ओकाड़ा के अंदर, वाकई वो आता है सबर। कोरिया में भी इंडियंस काफी ज्यादा है, तो आप भी डेफिनेटली इंडिया को मिस तो करते होंगे, तो इंडिया की क्या चीज जो है ना सबसे ज्यादा मिस करते हैं आप? इंडिया की गैदरिंग, मतलब जो फैमिली गैदरिंग, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को पॉइंट आउट अलग से कर दो कि ये मिस होता है। आप चाहे खाने से सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कई मौके आते हैं जहां आप मिस करते हो। डू यू हैव मेनी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हियर? यू, वी जस्ट मेट बाय द वे। सैडली नो। Absolutely no, but actually there are many, many Pakistanis. I know there are many, but yeah, you know, Korean lifestyle makes you very busy. Right. I'm not in touch with my Indian friends either, so. पर यहाँ पे ना इंडिया में कोरिया के ना पाकिस्तानी भी हैं, यू नो इंडियंस भी काफी ज्यादा हैं, तो वो आपके पाकिस्तानी फ्रेंड्स वगैरह हैं? भाई तू है सबसे अच्छा फ्रेंड। भाई क्या कहने, मेरे अलावा कोई और है? हाँ, पाकिस्तान के हमारे घर साइड में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं। अच्छा। तो उनसे हमारी काफी अच्छी बातचीत होती है, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब उसे वो सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज है, हम लोग उस टाइप से नहीं देखते। ऑफ कोर्स वी ऑल आर ब्रदर्स, तो ऐसा कोई हमारे दिल में कोई ऐसा हेट्रेड वगैरह कोई। और पाकिस्तान अगर आप जाती हैं लेट्स से, किस सिटी में आप जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? वैसे मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैंने ज़्यादा कराची के बारे में सुना है, तो लाहौर भी सुना है। अच्छा। इस्लामाबाद अपना एक गाना भी है ना लाहौर, कौन सा वाला? लगती लाहौर, लाहौर दी, ओए ओए दीपल को गाने भी आते। लगती लाहौर दिया जिसे हिसाब ना हंस दिया। कोरिया के अंदर आपके ज्यादातर जो हैं पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, साथ में पाकिस्तानी गला करते हैं? नहीं, घर से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा खासा मौका मिला कि आप बहुत सारे देश से मिले, और जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे हमारे जब तक नहीं मिले थे तब तक काफ़ी विवेचनाएं थी ऐसे वैसे, लेकिन मिलने के बाद अच्छा लगा। एक होता हम कब तक पहले पाकिस्तान को दूसरों के नज़र या दूसरे के उससे देखते थे, अब अपनी नज़र से मिलते हैं और देखते हैं। बाय द वे दीपल, लाइक पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं आपके कोरिया में? मेरे पास माजिद के अलावा और कोई फ्रेंड तो है नहीं पाकिस्तान से, पर okay. देखते हैं कहीं ना हम लोग घूमने कहीं निकल जाता है तो कोई मिल जाता है। फिर हम लोग एक दूसरे को मिल के, अरे कैसे हो भाई। वाकई बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तानी इंडियन मिलते हैं ना यहाँ पे, लाइक अपनी अपनी फीलिंग आती है यार, अपना मिला बहुत अच्छा भी लगता है। ताकि यहाँ पे कोरिया में ना ज्यादातर लोग मतलब हिंदी में बात करने वाले मिलते रहते हैं, जैसे हिंदी उर्दू में लोग बात करते हैं, तो ऐसा मतलब खुल के बात कर सकते हैं किसी के साथ, मजा आता है। बट लाइक हाउ अबाउट इंडियन फूड, और यू नो सम टाइम यू डेफिनेटली मिस द इंडियन कम्युनिटी, डू यू हैव दोस काइंड ऑफ थिंग्स? There's Indian restaurants everywhere, and if I'm missing something from home, like, I just cook it. Yeah. You know, Indian girls are so you good cook, at you cooking. Cook at cooking. Yeah, oh, we nice. Are good at cooking. Korea mein Korean khana khate hain aap? Korean no, dishes? No, no, no. I cook by myself. चलें कभी आर्या से कहेंगे कभी बुलाए और हमें भी इनवाइट करें। पाकिस्तानी फूड कभी ट्राई किया, लाइक टिपिकल पाकिस्तानी फूड? नहीं, वो तो अभी तक ट्राई नहीं किया है, पर देखते हैं ये मेरे को खाने का भी लेके जाए तो भी मेरे को ट्राई करने मिलेगा। इंशाल्लाह वी विल गो समडे के जाएंगे, लेकिन टिपिकल आपने जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कभी इतना ट्राई नहीं किया तो अभी। पर एक्चुअली यहाँ पे इतवन में एक रेस्टोरेंट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मतलब मिक्स रेस्टोरेंट है, पर फिर भी मतलब पाकिस्तानी वो जो फीलिंग है ना, एग्जैक्ट वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, ना ही इंडिया का ना ही पाकिस्तान का, कहीं का भी यहाँ पे ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, इसलिए अगर खाना हो ना तो वहीं जाके खाना पड़ेगा या फिर वहाँ के बंदे को बना के खिलाना पड़ेगा। कोरिया में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ आपको बीइंग अ इंडियन गर्ल, या रेसिज्म कभी फील हुआ आपको? नो, नेवर। नेवर, लड़के इतना छेड़ते नहीं है, हूटिंग वगैरह नहीं करते? नो नो नो, आई नेवर फेल्ट। दैट्स रियली गुड थिंग। ओवरऑल बीइंग अ इंडियन इन कोरिया, व्हाट इज लाइफ, डू यू थिंक इट्स वेरी गुड, इट्स सेफ, और यू? It is safe, of course. I can leave home at 12 o'clock at night and go to Han River. You know, we are standing at Hongdae, and Han River is very close by. I live around here, and I go to the river sometimes at night, and I feel safe. तो आर्या, लाइक जो इंडियन व्यूअर्स हैं या मे बी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लाइक मेरा ये मानना है कि हम लोगों को आपस में अच्छे से रहना चाहिए, लाइक we should not go towards like politics and news and everything. We just meet people directly, experience them directly, and then make our view. जो इंडियंस देख रहे हैं वीडियो, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियंस, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई, न्यूज़ चैनल थोड़ा कम देखा करो। ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए भी एक सलाह है।
तुम बंदों से मिलो, तुम्हें पता चलेगा वो क्या है। डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करो, वहाँ पे जाओ और गेट कनेक्टेड टू हर्ट्स, आई मीन लीव द पॉलिटिक्स बिहाइंड। इंडियन पीपल, कोई मैसेज पाकिस्तानियों को जो ये वीडियो देख रहे हो? खास करके बस ऐसा कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब आप सब लोग हेल्दी रहे और हैव अ गुड लाइफ, अचीव योर ड्रीम्स एंड डोंट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, लेट्स हैव पीस। बहुत प्यारा मैसेज दिया दीपक। राधिका थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द, एनी मैसेज फॉर इंडियंस और पाकिस्तानी वाचिंग दिस वीडियो? लेट्स मीट अप। ओके गाइस, या थैंक यू सो मच रिधिका, रितिका। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच आर्या। हाउ टू से बाय बाय इन योर लैंग्वेज? इट्स जस्ट बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।